नमस्कार। अब तक हमने दो यादृच्छिक चरों के संयुक्त बंटन एवं संयुक्त घनत्व फलनों को समझा है एवं यह समझा है कि यदि हमें इन दो यादृच्छिक चरों के फलन दिए गए हों तो हम उनके मध्यमान प्रसरण एवं अन्य आघूर्ण किस प्रकार निकाल सकते हैं अथवा उनकी प्रायिकताएं किस प्रकार निकाल सकते हैं। उनके मध्यमान प्रसरण एवं अन्य आघूर्ण हम अभी देखेंगे। तो अब हम दो यादृच्छिक चरों के संयुक्त आघूर्ण जॉइंट मोमेंट्स की चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं एवं उनका एक फलन z बराबर gx एवं उनका एक फलन z बराबर gxy है। तब z का प्रत्याशित मान होगा प्रत्याशा z बराबर है अनंत से अनंत z fz dz बराबर है माइनस अनंत से माइनस अनंत जी एक्स वाई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यह हम यह देख सकते हैं कि यह एक यादृच्छिक चर के फलन के मध्यमान अथवा एक यादृच्छिक चर के फलन के प्रत्याशित मान के समान ही है एवं हम यह एक यादृच्छिक चर के लिए दोनों असंतत एवं संतत स्थितियों में इसकी उत्पत्ति दे चुके हैं एवं हम इसे दो यादृच्छिक चरों के लिए सिद्ध नहीं करेंगे। इसकी उत्पत्ति कुछ उसी प्रकार ही है एवं यह जिस प्रकार से एक यादृच्छिक चर के लिए थी किंतु वह समय बहुत लेगा तो हम इसकी उत्पत्ति की चर्चा नहीं करेंगे। हम यह मान लेंगे कि दो यादृच्छिक चरों के लिए बराबर है यह अब हम यह देख सकते हैं कि यदि जी एक्स अथवा जी एक्स एक ही यादृच्छिक चर एक्स का फलन है तब प्रत्याशा जी एक्स बराबर है जी एक्स x बराबर है अनंत से अनंत जी एक्स एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यह सरल था। इसी प्रकार हम यह दर्शा सकते हैं यदि जी एक्स वाई बराबर है जोड़ i बराबर एक से n ए के जी के एक्स वाई तब प्रत्याशा जी एक्स वाई बराबर होगा जोड़ i बराबर एक से n ए के क्षमा कीजिएगा k बराबर एक से n के बराबर एक से एन जी के प्रत्याशित मान जी के एक्स वाई। यह सरल है। अतः हम लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर एक्स एवं वाई हैं जिनका संयुक्त बंटन फलन हमें ज्ञात है तब प्रत्याशित मान एक्स जमा वाई बराबर है प्रत्याशा x जमा प्रत्याशा y। अब यह तो हमने देख लिया कि प्रत्याशा x जमा y बराबर है प्रत्याशा x जमा प्रत्याशा y। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हमें ध्यान रखना होगा किंतु इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्याशा xy बराबर है
के बराबर नहीं होते। x और y के गुणाफल का इसे मैं लिख देता हूँ, x और y के गुणाफल का मान x एवं y के प्रत्याशित मानों का गुणाफल नहीं होता। यह हमें ध्यान रखना है। अब इसी अवधारणा को कुछ बेहतर समझने के लिए हम दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में प्रसरण परिभाषित करेंगे। हमने एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में प्रसरण देखा था एवं यह देखा था कि उस प्रसरण का भौतिक महत्व क्या है। अब हम यह देखेंगे कि दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हम उस प्रसरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं जिनके मध्यमान क्रामिक रूप से म्यू x एवं म्यू y हैं एवं प्रसरण सिग्मा एक्स स्क्वायर एवं सिग्मा वाई स्क्वायर हैं, तब उनका सहप्रसरण सी एक्स वाई इस प्रकार परिभाषित होता है। उनका सहप्रसरण सी एक्स वाई होगा। सी एक्स वाई बराबर है प्रत्याशा एक्स म्यू एक्स वाई माइनस एक्स घटा म्यू एक्स वाई घटा म्यू वाई बराबर है एक्स वाई प्रत्याशा एक्स प्रत्याशा वाई। यह इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए इनका सह संबंध गुणक अथवा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट अर्थात गुणक जो किसी वस्तु को गुणा करता है, इनका सहसंबंध गुणक अथवा कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया जाता है रो एक्स वाई बराबर है सी एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यहाँ यह सहप्रसरण सी एक्स वाई सहप्रसरण अथवा कोवेरियंस कहलाता है। सी एक्स वाई सहप्रसरण अथवा कोवेरियंस कहलाता है। प्रसरण को हम वेरियंस कहते हैं, सहप्रसरण को कोवेरियंस कहते हैं। अब यहां ध्यान देना आवश्यक है कि यदि हम दो यादृच्छिक चरों दोनों यादृच्छिक चरों x एवं y को सादिशों वेक्टर्स सादिश अर्थात वेक्टर इन्हें सादिशों के रूप में देखते हैं तब यह इनके सहप्रसरण अथवा सहसंबंध गुणक के व्यवहार को समझने में सहायक होगा। हम यह देखते हैं कि यदि हम इन्हें x एवं y को सादिशों के रूप में देखते हैं जो कि एक ऐसे अमूर्त समष्टि x y एक अमूर्त सादिश
समष्टि एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस के, यह एक अमूर्त सदिश समष्टि अथवा एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस के अवयव हैं, जहां वर्गमूल एक्स स्क्वायर एवं वर्गमूल वाई वर्ग एक्स एवं वाई की हैं एवं यह इनका आंतरिक गुणनफल है। तब यदि हम x एवं y को शून्य मध्यमान वाले यादृच्छिक चरों रूप में देखें तब बराबर है एक्स वाई, अर्थात रो एक्स वाई बराबर है यह हम जानते हैं कि यह सादिशों x एवं y के बीच बनने वाले कोण की कोज्या कोसाइन है। यह इनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या है। अब इसी ज्यामितीय अवधारणा अथवा इसी समरूपता को आगे बढ़ाते हुए हम यह देख सकते हैं कि यदि प्रत्याशित मान एक्स वाई शून्य है तब एक्स वाई को समकोण अथवा ऑर्थोगोनल दो यादृच्छिक चरों x एवं y को हम समकोण अथवा ऑर्थोगोनल तब कहते हैं जब उनके गुणाफल का प्रत्याशित मान शून्य होता है। अथवा जिस प्रकार एक सादिश समष्टि में दो सादिश समकोण अथवा ऑर्थोगोनल तब कहे जाते हैं जबकि उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है अथवा उनका आंतरिक गुणाफल शून्य होता है, जो कि हम ज्यामितीय रूप से सिद्ध कर सकते हैं, वह इस कोर्स का भाग नहीं है। उसी प्रकार हम एक्स वाई को समकोण अथवा ऑर्थोगोनल कहते हैं। अब इसी प्रकार दो यादृच्छिक चरों का सहसंबंध गुणांक अथवा कोरिलेशन कोएफिशिएंट शून्य हो तब उन्हें असहसंबंधित अथवा अनकोरिलेटेड तब उन्हें असहसंबंधित अथवा अनकोरिलेटेड कहा जाता है। इसी प्रकार शून्य मध्यमान वाले यादृच्छिक चरों के विशेष स्थिति में हम यह देख सकते हैं कि यह सत्य होगा, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है, अर्थात
ये है. अब दो असहसंबंधित यादृच्छिक चरों x एवं y देखते हुए हम कह सकते हैं रो एक्स वाई बराबर है शून्य बराबर है सी एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अर्थात सी एक्स वाई बराबर है शून्य अर्थात एक्स वाई घटा प्रत्याशा एक्स प्रत्याशा वाई बराबर है शून्य अर्थात प्रत्याशा एक्स वाई बराबर है एक्स प्रत्याशा वाई. यह है. अब हम इस सब को ध्यान में रखते हुए दो संयुक्त गौसीय यादृच्छिक चरों के गौसीय यादृच्छिक चरों के घनत्व फलन को दोबारा देखते हैं. को पुनः देखते हैं. दो संयुक्त गौसीय यादृच्छिक चरों के घनत्व फलन को पुनः देखने के लिए हम यह देख सकते हैं कि यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर एक्स वाई हैं जो कि संयुक्त रूप से गौसियन हैं, तब हमने कहा था इसे इस प्रकार लिखा जाता है म्यू एक्स म्यू वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर रो एक्स वाई, जहाँ एक्स का मध्यमान वाई का मध्यमान वाई का प्रसरण का संबंध एक्स वाई का सहसंबंध गुणक. हमने यह घनत्व फलन परिभाषित किया था कुछ इस प्रकार एक्स वाई बराबर है दो पाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे दो सिग्मा वाई स्क्वायर म्यू वाई यह. अब म्यू एक्स बराबर शून्य म्यू वाई बराबर शून्य की एक्स बराबर म्यू वाई बराबर शून्य की विशेष स्थिति को देखते हुए एफ एक्स वाई बराबर है दो पाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर बटे दो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई वर्ग बटे दो सिग्मा वाई वर्ग जमा एक्स वाई वर्ग एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई.
Yeah. अब लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, एक्स वर्ग बटे सिग्मा एक्स वर्ग घटा एक्स वाई वाई वर्ग बटे सिग्मा वाई वर्ग बराबर है एक्स घटा एक्स बटे सिग्मा एक्स घटा रो वाई बटे सिग्मा वाई पूरे का वर्ग, यहाँ रो आएगा, क्षमा कीजिए, यह भी रो होगा, रो क्षमा कीजिए, रो एक्स वाई यह इस प्रकार होगा, यह एक घटा रो एक्स वाई वर्ग होगा, यह इस प्रकार होगा, जमा वर्ग y वर्ग बटे सिग्मा y वर्ग। अब दो पाई सिग्मा y y गुना x एक्स घटा रो एक्स वाई सिग्मा एक्स वर्ग वाई वर्ग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे सिग्मा वाई वाई बटे दो सिग्मा एक्स वर्ग dx dy। अब इसे हम लिख सकते हैं, प्रत्याशा xy बराबर है बटे सिग्मा y से अनंत y दो सिग्मा वाई स्क्वायर एक्स बटे पाई रो एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई सिग्मा वाई दो सिग्मा एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई यह राक्षस। अब यह देख सकते हैं कि यह एक्स का प्रत्याशित मान है, जहां जहां एक्स गाउसीय बंटित है एवं उसका मध्यमान रो एक्स वाई वाई सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई है एवं प्रसरण सिग्मा एक्स वर्ग है, यह है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर है सिग्मा वाई वर्ग से अनंत रो एक्स वाई सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई वाई वर्ग सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई अनंत से अनंत वाई वर्ग दो सिग्मा वाई वर्ग डी वाई। यह वाई मध्यमान शून्य के साथ गौसीय बंटित यादृच्छिक चर है जिसका प्रसरण सिग्मा वाई वर्ग है, अर्थात रो एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वर्ग बटे सिग्मा वाई बराबर है रो एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई।
एक अंतिम प्रमेय, यदि एक्स एवं वाई दो स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं तब वह असहसंबंधित भी हैं। उपपत्ति, हम देख सकते हैं प्रत्याशा एक्स वाई बराबर है अनंत से अनंत माइनस अनंत से अनंत एक्स वाई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर है माइनस अनंत से अनंत अनंत से अनंत एक्स वाई एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई डी एक्स डी वाई। अब इन दो समाकलनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, बराबर है पहला समाकलन केवल x के संदर्भ में है एफ एक्स एक्स डी एक्स अनंत से अनंत वाई डी वाई बराबर है प्रत्याशा x प्रत्याशा y। अर्थात यदि यह दो x एवं y दो स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं तब वे असहसंबंधित भी हैं। किंतु हमें यह ध्यान रखना है कि इस प्रमेय का विपरीत सत्य नहीं है। अर्थात यदि x एवं y असहसंबंधित हैं तो यह निश्चित नहीं है कि वे स्वतंत्र भी हों। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि x एवं y असहसंबंधित हैं तो यह निश्चित नहीं है कि वह स्वतंत्र भी हों। किंतु यदि x एवं y गौसीय हैं तब उनका असहसंबंधित होना उनके स्वतंत्र होने के लिए पर्याप्त है। यदि x एवं y गौसीय हैं तब उनका ऐसे संबंध होना उनके स्वतंत्र होने के लिए पर्याप्त है। साधारणतः यदि हम इस प्रत्याशित मान की बात करें तो यह x एवं y का k जमा आरवां आघूर्ण, यह x एवं y का k जमा आरवां संयुक्त आघूर्ण कहलाता है एवं इनका k जमा आरवां केंद्रीय संयुक्त आघूर्ण कहलाता है। जिस प्रकार हमने एक यादृच्छिक चर के लिए आघूर्ण एवं केंद्रीय आघूर्ण परिभाषित किए थे उसी प्रकार हम दो यादृच्छिक चरों के लिए संयुक्त आघूर्ण एवं केंद्रीय संयुक्त आघूर्ण परिभाषित कर सकते हैं। अब जिस प्रकार हमने एक यादृच्छिक चर के लिए विशिष्टता फलन परिभाषित किया था उसी प्रकार अगले व्याख्यान में हम दो यादृच्छिक चरों के लिए विशिष्टता फलन देखेंगे। धन्यवाद।